अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसी हो मेरी वाइटी फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत होंगे। तो चलो जी, आज रेसिपी कुछ नहीं बनाई, हम आपके साथ एक छोटी सी वीडियो फ्रूट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए जी, ये है लीची और माशाल्लाह इसमें इतना टेस्ट है, हमारे अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी अच्छी नियामतों से हमें नवाजा है और इतनी अच्छी अच्छी दुनिया में फल फ्रूट हमारे लिए भेजे हैं अल्लाह पाक ने, हमारे लिए हर एक फैसिलिटी से नवाजा है हमें, आमीन सुन। बहुत बहुत शुक्र एहसान है अल्लाह पाक का। तो अल्लाह ताला ने सूरतुर्रहमान में बताया हुआ है, फबियाई अलाई रबी को मत का ज़िबान, तुम अपने रब के किन किन नियामतों के ठुकराओगे झुटलाओगे। तो देखिए जी, ये है लीची और ये जो है ऊपर से इतनी सख्त है और माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती भी देखिए, ऊपर से भी कितनी अच्छी है लेकिन वो सख्त है और अंदर से इतना नरम और इतना मीठा फल है, ये इतना मीठा फ्रूट है, माशाल्लाह बहुत मीठा फ्रूट है ये। और ये मतलब है ये महंगा, लेकिन जो इसका महंगाई से ज़्यादा इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो देखिए जी, जो बीज नज़र आ रहा है आपको सफ़ेद बीज में, तो इसमें जो है इसका जो टेस्ट है ना, जो भीगा हुआ बादाम होता है ना वैसा टेस्ट है। बादाम का भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन इतना अच्छा टेस्ट इस बीज का है। और ये जो है एकदम पानी वाला फ्रूट है, इसके अंदर सब मतलब पानी और मिठास बहुत है माशाल्लाह। और इसके बहुत फ़ायदे हैं इस फ्रूट के, और इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। और देखिए जी, अंजीर, अंजीर के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो अब है ये आलू बुखारा, आलू बुखारा जिसकी जिसमें खून कम होता है उसको खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलू बुखारा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन्स बहुत पाए जाते हैं, और फ्रूट खाने से स्किन ग्लोइंग होती है, वेट लॉस होता है, और फ्रूट खाना अच्छा होता है स्किन के लिए, आँखों की रोशनी के लिए और बालों के लिए, वो बहुत अच्छा होता है फ्रूट खाना। तो हम आपके साथ आज ऑल फ्रूट्स की रेसिपी, ऑल फ्रूट्स की मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये है जी ड्रैगन फ्रूट। अभी ड्रैगन फ्रूट ये इंग्लिश का वर्ड्स है और हिंदी में इसको नाशपाती कहते हैं, और मराठी में तो नाशपाती ही होता है मराठी में भी, फिर आप उर्दू में क्या होगा इसका, तो उर्दू में होगा ख़राब शोहर नहीं नहीं ख़राब शोहर नहीं कहेंगे हम, अगर कोई शोहर होगा तो उसको बेचारे को बुरा लग जाएगा, तो नहीं नहीं जी ये ख़राब शोहर नहीं है, इसका मतलब मीनिंग ही वो हो जाते हैं ना नाशपाती, नाशपाती के मीनिंग वो उर्दू में भी वही हो जाते हैं ख़राब शोहर। तो देखिए जी, ये है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को हमने सर्च भी किया था गूगल पे, तो उसमें भी यही बताया है नाशपाती, तो हम दिल से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं वरना फिर हमको कमेंट में गालियाँ पड़ जाएंगी, जो भी पति सुनेगा तो वो कहेगा कि ख़राब पति कैसा कहा आपने। तो नहीं नहीं जी, सब पति अच्छे होते हैं, शक्कर पत्ती मिक्स हो जाती है, सब अच्छे हो जाते हैं। तो देखिए जी, ये है ड्रैगन फ्रूट, माशाल्लाह ये भी बहुत टेस्टी होता है। और ड्रैगन फ्रूट एक वाइट कलर का भी आता है जिसका, और इसके जो बीज होते हैं ना, तो वो बीज का जो टेस्ट है कलमंजी के जैसा होता है। और ये देखिए जी, आलू बुखारे बनाना, ये भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए जी, अब हम नेक्स्ट आएगा एप्पल। एप्पल में विटामिन ए होता है, एप्पल स्किन के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होता है, एप्पल से जो है ना तो वेट लॉस होता है, और एप्पल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है स्किन ग्लोइंग के लिए। और देखिए ऑल फ्रूट भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जी माशाल्लाह माय फेवरेट स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत पसंद है, हर किसी को पसंद होती है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में, और स्ट्रॉबेरी से मतलब स्किन ग्लोइंग होती है, और विटामिन सी होता है दांतों के लिए भी, विटामिन सी अच्छा होता है मतलब हड्डी। ये देखिए जी, ये है चेरी, चेरी भी बहुत टेस्टी होती है, और ये चेरी नहीं ब्लूबेरी है, सॉरी ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी भी बहुत टेस्टी। और ये लाल अंगूर है, ये अंगूर तो इतने मीठे हैं माशाल्लाह, बहुत मीठे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बहुत सी नियामतें अता की है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है। तो देखिए जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मीठा फ्रूट है वो भी अंगूर। और ये है ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज भी, ऑरेंज का जूस स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है
बनाना, बनाना में विटामिन ए होता है और आयरन होता है। बनाना वेट के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि वेट यानी जिसका वेट नहीं बढ़ता उसके लिए बनाना बहुत अच्छे होते हैं। और ये ऑरेंज, ये है अंजीर। अंजीर तो माशाल्लाह रोज़ाना निहार मुँह सुबह में खाना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर भी अंजीर और खजूर रोज़ाना सुबह में खाया। अंजीर से है ना आंखों की रोशनी बढ़ती है और अंजीर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंजीर, अखरोट, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है। और यह जी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट है। और ये है कीवी। कीवी जिसको भी मतलब जिसके प्लेटलेट्स कम होते हैं ना, उसको कीवी और पपाया देना, उससे प्लेटलेट्स लेवल हो जाती है और कीवी खाना बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। तो चलिए जी, अब हम आपके साथ ना ये जितने भी फ्रूट है वो शेयर करते हैं। ये है पपाया। पपाया भी खाना बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए होता है पपाया से। स्किन जो जिसके भी मतलब स्किन पे झुर्रियाँ होती है, पिंपल्स होते हैं, इसका जूस स्किन को लगाना बहुत अच्छा होता है। और इस हर हर फ्रूट में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने शिफा दी है। और ये है साउथ अफ्रीका का फ्रूट, एप्पल है ये भी। इसको एप्पल ही कहते हैं, यानी पियर कहते हैं उसको। और उसमें ये फ्रूट जो है पियर, इतना टेस्टी और मीठा फ्रूट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। और ये अंगूर है, लाल अंगूर। तो देखिए जी, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, नियामतें अता की हैं अब माशाल्लाह से। तो देखिए, हम आपके साथ ऑल फ्रूट शेयर करें। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। ये है ग्रीन वाला पपाया, तो इसकी हम बनाएंगे चेरी। और ये है कच्चा नारियल, तो कच्चा नारियल भी बहुत अच्छा होता है किडनी स्टोन वालों के लिए, जिसको ज़्यादा फीवर हो यानी ज़्यादा जिसका गर्म हो, बुखार हो, तो उसको कच्चा नारियल खिलाना, पपाया खिलाना, क्योंकि जो फीवर है वो कंट्रोल हो जाता है। और आजकल तो मतलब बहुत चल रहा है डेंगू, डेंगू से पपाया और पपाया के जो पत्ते होते हैं उसका जूस पीना बहुत अच्छा होता है, उससे डेंगू और प्लेटलेट्स कंट्रोल में होते हैं। आजकल डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।